उत्तर प्रदेश की सियासत का एक मशहूर चेहरा आज दुनिया को अलविदा कह गया। इस चेहरे की चमक और आवाज लंबे समय तक राज्य की विधानसभा और देश की संसद में गूंजती रही, मगर अब यह आवाज सदा के लिए शांत हो गई है। इस सियासी शख्सियत के चले जाने से जहां राजनीतिक और मुरादाबाद क्षेत्र को बड़ा आघात पहुंचा, वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना एक मजबूत कद्दावर नेता खो दिया है, जिसकी भरपाई शायद ही भविष्य में सियासत और सपा कर पाए। 17वीं लोकसभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य के निधन पर राजनीतिक दलों के साथ ही मायावती, अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य सरीखे नेताओं ने अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। बता दें कि सांसद शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। मंगलवार को एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल हो गया। उनके निधन पर देश प्रदेश के राजनेताओं और सियासी दलों ने दुख जताया है। बीएसपी मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा है, पश्चिमी यूपी से लोकसभा के कई बार सांसद रहे श्री शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद। उनके परिवार एवं अन्य सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। वे काफी मिलनसार व नेक दिल इंसान थे। वहीं यूपी के ही पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी बर्क के निधन पर ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पोस्ट में लिखा है, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क जी के निधन की खबर बेहद दुखद। मैं उनको विनम्र आदरांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार एवं अन्य सभी चाहने वालों के प्रति हैं। प्रकृति उन्हें यसीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के घटक दल ओम प्रकाश राजभर ने सांसद बर्क के निधन पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद। भावभीनी श्रद्धांजलि। वहीं सपा से अलग हुए यूपी के कद्दावर ओबीसी चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पोस्ट में बर्क साहब के निधन को समाजवादी आंदोलन को बड़ा नुकसान बताया है। मौर्य ने लिखा, वरिष्ठ समाजवादी चिंतक व बेबाकी की मिसाल माननीय सांसद संबल जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखदायी है तथा समाजवादी आंदोलन के लिए बड़ी क्षति है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि और परिवारजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी सांसद बर्क के निधन पर दुख और संवेदना से भरी पोस्ट साझा की गई। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने बर्क के इंतकाल को मिल्लत का बड़ा नुकसान कहा है। अपनी पोस्ट में इमरान लिखते हैं कि अलविदा शफीकुर रहमान बर्क साहब, आपका जाना मिल्लत का बड़ा नुकसान है। आपकी बेबाकी हमेशा याद रखी जाएगी। अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। अगर सांसद शफीकुर रहमान बर्क के सियासी सफरनामे की बात करें तो बर्क साहब मुरादाबाद क्षेत्र की जनता के बड़े दुलारे थे। उनके प्रति क्षेत्र की जनता का प्यार और जुड़ाव बड़ा गहरा था। जनता से मिले प्यार और जुड़ाव की बदौलत ही बर्क साहब पहले लगातार 4 बार संबल सीट से विधायक चुने गए और उसके बाद उन्होंने संसद का रुख किया। मुरादाबाद क्षेत्र की जनता ने शफीकुर रहमान को 5 बार लोकसभा का सदस्य चुनकर देश की संसद में पहुंचाया। बर्क साहब अपने 5 बार के सांसद कार्यकाल में 3 बार मुरादाबाद सीट से सांसद बने तो 2 बार संबल सीट से चुनकर लोकसभा में गए। वो वर्तमान में सपा से सांसद थे और लोकसभा के सबसे वरिष्ठ एमपी होने का खिताब उनके पास था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।